यहाँ पे फाइट इनिशिएट हुआ, जीटी का एक और प्लेयर नॉकआउट हो चुका है, एंगल यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहे सही से जीटी के प्लेयर्स, एंड वहीं पे हाइड्रा इन पे ना बार बार जो जिस तरीके से प्रहार करा, देखे मिला जैसे ही थोड़ा बहुत डैमेज दिया बट नॉक नहीं कर पाए। आई गेस एक मौका था उनके पास, वो चूक गए, मेरे को लगा वहां पे नॉक हो जाना चाहिए था, बट एक बहुत छोटा सा स्कोप मिलता है आपको नॉक निकालने का, छोटा सा पिक्सल, एंड आप उस समय पे फायदा नहीं उठा पाए तो आप एज अ प्लेयर चूक गए उस समय पे। एक मोलोटॉफ फेंका जाएगा विक्सी के ऊपर भी आए, ओ नहीं, वो विक्सी ने मोलोटॉफ थोड़ा गड़बड़ कर आप चुका। बात कर रहे थे इसके पहले, वो छोटा सा मौका मिला था विक्सी को गुजरात टाइगर्स की तरफ से, उन्होंने उधर नहीं कैपिटलाइज किया। यही बात है, ऐसे एरियाज पे स्पेशली बूट कैंप पे आपको मौके पे चौका मारना पड़ेगा। अगर आप नहीं मारोगे तो आपको आउट कर दिया जा सकता है, और वो भी सिर्फ इस जगह से नहीं पूरे मैप से। तो थोड़ा सा देख के खेलने की जरूरत टीम गुजरात टाइगर्स को भी। हालांकि उनका जो फॉर्म है वो उतना कुछ खास चल नहीं रहा पिछले टाइम से, क्लच गॉड नॉक हुए, फिनिश भी करेंगे डोरा, हालांकि इधर नॉकआउट हो चुके हैं, लेकिन ये ग्रेनेड कनेक्ट होता हुआ दिख सकता है। इस बार ओपन में आए और उसी के साथ विक्सी, उनका हुआ काम तमाम, ड्रीम्स इधर अपने टीम का ड्रीम अभी भी जिंदा रखते हुए, और उसी के साथ साथ टीम हाइड्रा का जो ये सफर है ये जारी रहेगा, और हो सकता